सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स का मामला जो है वो और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में करण जौहर पर निशाना साधते नजर आए हैं मजिंदर सिंह सिरसा। वेल, आपको बता दूं कि मजिंदर सिंह सिरसा जो है वो शिरोमणि अकाली दल के विधायक हैं और इन्होंने करण जौहर की उस वीडियो को मुंबई पुलिस को सौंपते हुए एक कंप्लेंट जो है वो दर्ज करा दी है। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। वेल, आपको बता दूं कि करण जौहर की पार्टी की एक वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से शेयर हुई थी। वेल, ये जब वायरल हुई थी उस दौरान भी मजिंदर सिंह सिरसा ने इस वीडियो को मुंबई पुलिस को सौंपा था और उनको कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन उस समय पर भी ये कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन उनको शिकायत थी कि जिस तरीके से उड़ता पंजाब में ड्रग्स के मामले में पंजाबियों की छवि को खराब किया गया, उनकी कौम को खराब किया, जबकि पूरा खुद बॉलीवुड जो है वो ड्रग्स में डूबा रहता है, ऐसा कहना है मजिंदर सिंह सिरसा का। वेल, आपको बता दूं कि यहाँ पर मजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं कि वो हाल ही में एनसीबी के ऑफिसर से मिले थे जो कि इस केस में जो है वो तफ्तीश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उनको मिलने के बाद ये वीडियो एक बार फिर से उन्होंने एनसीबी को सौंप दिया है और साथ ही इसकी जांच करने की मांग भी की है। लेकिन इसके लिए एनसीबी ऑफिसर ने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि इस बात की जांच होगी और साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी अगर ड्रग्स का मामला सामने आता है तो। आपको बता दूं कि ये वही वीडियो है जो कुछ समय पहले करण जौहर के नाम पर फिर से शेयर हो रही थी, वायरल हो रही थी, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा और त्रिशा श्रॉफ, ये सभी जो थे लोग जो थे वो नजर आ रहे थे। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आखिरकार एनसीपी इस वीडियो को लेकर मजिंदर सिंह सिरसा के कहने पर एक्शन लेती है या नहीं लेती है। वेल, इस बात को लेकर आप लोग की क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।